हेलो एवरीवन। सो मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस पे वीडियो, और आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर। आपको वीडियो कैसे लगी, क्या इजी थी ये वीडियो, और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ डू शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू। आई होप सो यू विल गिव योर लव टू माई वीडियो। थैंक यू एवरीबडी। यू कैन सी एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट टेंस राइटर्स, लाइक सारे जमी पे, बिकॉज ऑल दी वर्ड्स आर ऑपोजिट। सो लेट मी मेक इट फाइन एंड लेट मी शो यू वॉट इट इज, एंड माई टुक टुक इज मेकिंग नॉइज। एवरीबडी, सो जैसे कि आप देख सकते हैं जो टेंस हैं उसके तीन प्रकार होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टेंस जो है वो आपको टाइम के बारे में बताता है कि कोई भी जो घटना है, कोई भी काम है, वो कब हुआ है, ठीक है। सो जब भी आप देखो कि लास्ट डे है, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, और कुछ टाइम पहले की जो बात है वो पास्ट हो गया, प्रेजेंट जो कि अभी चल रहा है, फ्यूचर जो आने वाला कल है आपका, नेक्स्ट वीक, टुमोरो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। बट अभी हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। और उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल से शुरुआत करेंगे। तो आप ये देख सकते हो जो प्रेजेंट सिंपल है वो जर्नल और परमानेंट सिचुएशन की बात करता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ आप देख सकते हो कि बेस फॉर्म लगा हुआ है। मीन्स जो भी आपकी वर्ब है वो सेम टू सेम, लाइक आई वर्क, यू वर्क, दे वर्क, वी वर्क, आई लव टीवी, आई लव डांस, आई लव वट एवर यू वॉन्ट, ओके। सो एक्शन मीन्स कुछ, जम्प, स्लीप, वॉक, ये सारी चीज़ क्या हैं, एक्शंस हैं, तो वो बेस फॉर्म में ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ही, शी, इट, कोई भी चीज़ जो सिंगुलर है उसके साथ आप एस और ई एस यूज करेंगे वर्ब के साथ, राइट। लाइक ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, ओके। एंड अब हमें ये देखना है कि एक्चुअली हम इन्हें किन सिचुएशन में यूज करते हैं, राइट, वेन टू यूज इट। सो हम इसे यूज करते हैं लाइक जब समथिंग, यू नो, वेन समथिंग इज परमानेंट, लाइक आई लिव इन दिल्ली, तो अब दिल्ली में मैं रह रही हूँ, मेरा घर यहाँ, तो ये परमानेंट हो गया, ठीक है। सो ये करेक्ट है। अगर मैं बोलूँ कि आई विल गो टू विलेज, तो इसका तो मतलब ही नहीं है, है ना, वो तो फ्यूचर में आ जाएगा। लेकिन परमानेंट जो कि लाइक कोई कॉलेज में है, तो वो कुछ टाइम के लिए परमानेंट सिचुएशन होगी। तभी आप जब पहले क्लास में माई सेल्फ याद करते हो तो आप बोलते हो आई लिव हियर, राइट, आई स्टडी इन दिस क्लास, क्योंकि वो परमानेंट सिचुएशन है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आज आप पहले क्लास में हो कल आप दूसरी क्लास में हो जाओगे, नहीं। सो परमानेंट सिचुएशन। सेकेंड, जब आप अपने रूटीन की बात करते हो, लाइक आई वेकअप एट 6 PM और आई वेकअप एट 6 AM और आई आई गो टू स्लीप एट 11 और एट 12 और एट 10। सो मीन्स आपका जो भी रूटीन है, फैक्ट, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सो सनराइज और सनसेट जो होता है फिक्स है वो, है ना, वो फैक्ट है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। तो फैक्ट्स के लिए स्केड्यूल और शेड्यूल आप बोल सकते हो, राइट। सो आवर क्लास स्टार्ट एट 7 AM, लाइक आई स्टार्ट टीचिंग एट 6:55 AM इन द मॉर्निंग, सो दैट इज स्केड्यूल फॉर मी व्हेन आई वेक अप एंड आई टेक बाथ, सो दैट इज ऑल्सो मीन समथिंग विच आई डू ऑन द डेली बेसिस। और यू में से रिपीटेड एक्शन यू कैन टॉक अबाउट दैट हैबिट, इट टे लाइक आई टेक टी ट्वाइस इन अ डे, सो ये मेरी आदत है, ठीक है। सो आपकी जो भी आदत है, आप अपनी आदत के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करो। तो सिंपल हमने क्या बोला कि कोई भी चीज़ जो परमानेंट हो, हमारा रूटीन, हमारा फैक्ट, हमारा शेड्यूल और हमारा हैबिट, जब हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो हमें यूज करना है प्रेजेंट सिंपल, ओके। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू यूज इट। आप देख सकते हो मैंने इसकी तीन कैटेगरी बनाई है, पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस क्वेश्चन। सो जब हम पॉजिटिव क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है विद प्लूरल मीन्स आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम बेस फॉर्म यूज करते हैं, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क, ओके। ही, शी, इट, इसके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं, ठीक है, लाइक ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, राइट। वेन एवर वी नीड टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, यू नो मीन्स वी हैव टू यूज नो देयर, सो लाइक
आई डू नॉट वर्क, यू डू नॉट वर्क, वी डू नॉट वर्क, दे डोंट वर्क, राइट? एंड सेम विद दैट, रिमेंबर जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तभी हम ही शी इट के साथ एस ओर ई एस लगाते हैं, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है. जब हम डज यूज़ करते हैं तो हम एस ओर ई एस नहीं लगाते हैं, राइट? ही डज नॉट वर्क, शी डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क. और इसके अब्रीवेशन है डजंट, एंड डू नॉट की अब्रीवेशन है डोंट, राइट? सो एंड टू मेक क्वेश्चन यू हैव टू यूज डू एंड डज. सेम आई यू वी दे डू एंड डज ही शी इट. सो मीन्स सिंगुलर के साथ हमें यूज करना है डज, एंड प्लूरल के साथ हमें यूज करना है डू. सो आई होप सो आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी. और आपको कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है. इसमें बहुत बेसिक चीज़ होती है जो कि लोग क्या करते हैं, इसमें प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ यूज करने लग जाते हैं. लाइक आई एम गोइंग टू विलेज. सो रिमेंबर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है. आप ये कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि क्या प्रेजेंट सिंपल है और क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है? तो उसके लिए आपको याद करना है कि प्रेजेंट सिंपल परमानेंट सिचुएशन की बात करता है, और जो कॉन्टिन्यूस है वो टेम्प्रेरी, वो ऐसे चीज़ों की बात करता है जो तभी हो रहा है. जैसे कि राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, आई एम मेकिंग वीडियो, आई एम टीचिंग, राइट? सो आई एन जी फॉर्म कम्स देयर, एंड वो लाइक ऐसा तो नहीं है कि मैं 24 घंटे आपको पढ़ाती रहती हूँ, है ना? और लाइक आपसे कोई पूछता है कि कहाँ कहाँ हो, तो आप बोलते हैं मैं जा रहा हूँ बस में, है ना? सो आई एम गोइंग. ओके, वेयर आर यू? आई एम इन अ बस. सो आप बस रिकॉग्नाइज करो कि क्या ठीक है क्या नहीं है, क्या परमानेंट सिचुएशन है क्या टेम्प्रेरी सिचुएशन है. और कभी कभी हम क्या करते थे, हम डू के साथ, जब हमें डू यूज़ करना है तो हम डज यूज़ करते हैं, जब हमें डज यूज़ करना होता है तो हम डू यूज़ करते हैं. तो हमें ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है. और आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई है. अगर पसंद आई है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच एवरीवन. सो वीडियो तब तक, मतलब कोई भी लेसन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि आपको एक होमवर्क ना मिले. सो मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ. मैंने जस्ट 3 सेंटेंसेस लिखे हैं और उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर है, तो वो मुझे जानने में मदद करेगा कि आपने टेंस को सीख लिया है या नहीं. उसके लिए आपको इन तीनों क्वेश्चन को, मीन्स इन तीनों जो, या तो ये क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है, वो आपको रिकॉग्नाइज करना है, प्लस आपको उसको करेक्ट करके चैट बॉक्स में लिखना है. ओके, एंड आई होप सो यू विल डू दैट. ये हैं वो 3 सेंटेंसेस. आई एम लिविंग इन दिल्ली. व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ सिंपल प्रेजेंट टेंस? इफ यस, ओके, देन व्हाई? इफ नो, देन ऑल्सो व्हाई? एंड व्हाट वुड बी द करेक्ट सेंटेंस एज पर इट? वी लाइक टू स्टडी, वॉट इज द एरर? प्लीज डू करेक्ट इट. सेम डज यू लाइक दैम, वॉट इज द एरर? प्लीज डू करेक्ट. थैंक यू.